जो ड्रग विद्यार्थी। जी सर, तो बहुत सुप्रभात, बढ़िया। स्वागत है सभी विद्यार्थियों को ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में, जहां लगभग आज हमें 2 महीने से ज्यादा, लगभग 2.5 महीने हो गए इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला को चलते हुए, और इसमें बहुत बड़ा योगदान आपसे विद्यार्थियों का रहा है। इसलिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। शुक्रिया भी कम पड़ेगा, पर ये कहना मुझे जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी का शुक्रिया, कि कोई भी कक्षा बिना विद्यार्थियों के संपन्न नहीं होती। इस वजह से बहुत बहुत शुक्रिया कि आज लगभग 2.5 महीने हो गए हैं इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में, जिसमें नित्य प्रतिदिन हम लोग नए विषय पर चर्चा करते हैं, उस विषय से विषय विशेषज्ञों के द्वारा आप लोगों को कक्षा पढ़ाई जाती है, जिसका फल आप लोगों को, शायद आप लोग अनुभव की भी कर रहे होंगे कि पहले के कंपेयर में अभी आप लोगों के ज्ञान में हल्की कुछ वृद्धि हुई होगी। मेरी भी हुई है, क्योंकि आप सभी के समक्ष या विषय विषय के समक्ष मैं भी एक विद्यार्थी शोधार्थी की तरह हूँ, जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलता है। तो आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तकनीकी सहयोगी जितने भी रहे हैं, देवाशीष सर बहुत लंबे समय से मेरे साथ रहे हैं हर कक्षाओं में, तो उनका भी तहे दिल से लगभग शुक्रिया, क्योंकि 2.5 महीने का सफर हम लोगों ने तय कर चुके हैं इस ऑनलाइन कक्षा के श्रृंखला में। चलिए, आज बात आप लोगों के पाठ्यक्रम में MHD जो आप लोगों के 13 है, उसके खंड 2 के पाठ्यक्रम, जिसकी पहली दो इकाइयों पर हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, जहाँ पे अविचल गौतम सर ने उन दो इकाइयों को, जो इकाई वस्तु असिर्फ की उपन्यास की वस्तु असिर्फ और उपन्यास के भाषिक संघर्ष है, इन दो इकाइयों को उन्होंने चर्चा की थी। उसके बचे दो इकाई जो रह गए थे कि उपन्यास वर्गीकरण और उसके विभिन्न आधार, और दूसरे चौथी और अंतिम इकाई उसकी उपन्यास की आलोचना दृष्टि, इन दो उपन्यासों की इकाइयों पर आज हम पुनः चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अविजल गौतम सर मौजूद है, तो मैं सर का अपने विश्वविद्यालय की ओर से, अपने हिंदी विभाग की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि सर ने अपना समय दिया, और सर से अनुरोध करता हूँ कि बिना वक्त जाया करें अपने विषय पर आगे बढ़ाए। सर, स्वागत है सर आपका, आप अपने व्याख्यान प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद अक्षय जी। बिल्कुल, अब हम शुरू करने वाले हैं। पिछली उपन्यास की जो संरचना और धारणा उस संबंध में, पिछली कक्षा में हमने दो इकाइयों पर चर्चा की थी, वस्तु और शिल्प पर, और उसकी भाषिक संरचना पर, कैसे उपन्यास की भाषिक संरचना के क्या क्या आयाम होते हैं, उन सब पर बात की थी। आज हम पुनः अगली दो इकाइयों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहली इकाई है जो बताया अभिषेक जी ने, उपन्यास वर्गीकरण और उसके विभिन्न आधार क्या क्या हैं, और उसके साथ साथ उसकी क्या आलोचना दृष्टियां रही हैं, उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। तो दोस्तों, फिर से आप लोग, उपन्यास के विषय में हमने पिछली बार कहा था कि कुछ पढ़ के आना चाहिए। आप लोगों ने कुछ जो नोट्स आप लोगों को मिले हैं, उन्हें आप लोगों ने देखा होगा, और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो चर्चा होगी उसमें और आप लोगों को आनंद आएगा, और नए कुछ और नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। बहरहाल, पहली, अभी जो हम तीसरी इकाई है जो आज हम शुरू कर रहे हैं, उपन्यास वर्गीकरण और उसके विभिन्न आधार। हमने भाषा की बात की पिछली कक्षाओं में, शिल्प और वस्तु की बात की, तो उपन्यास किस संरचना में होता है उसकी चर्चा हो चुकी थी। अब उपन्यास को हम बांटते किन किन रूपों में है, भाई हम किसी उपन्यास को कहते हैं ना कि ये आंचलिक उपन्यास है, ये राजनैतिक उपन्यास है, ये सांस्कृतिक उपन्यास है, ये घटना प्रधान उपन्यास है, फला मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तो जो वर्गीकरण या जो बांटना हम किस आधार पर बांटते हैं, उन आधारों की चर्चा हम आज करेंगे। तो कोई बहुत, मतलब ऐसी कोई नई सी बात नहीं है, बस थोड़ा समझने वाली बात है कि हमें पहली चीज़ ज़रूरत क्यों पड़ती है बांटने की। बांटने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम स्पेसिफिक होना चाहते हैं, हम विशेष होना चाहते हैं। हमारे पास जितने भी हमारे उपन्यास विधा में जितने भी जॉनर हैं, जिसको जॉनर कहते हैं हम, कि भाई एक राजनैतिक उपन्यास है या आंचलिक उपन्यास है, तो उस जॉनर में बांटने का मतलब है कि हम उसकी विशेषता या उसकी विशेषता तक जाना चाहते हैं। वर्गीकरण का मुख्य आधार हमारे पास अनेक हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता हमें क्यों है, क्योंकि हम साहित्य को, साहित्य में जो उपन्यास विधा है उसमें
उसकी अनेक विशेषताओं को हम अलग-अलग समझना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि कहा गया है कि उपन्यास जो है वो जीवन की ही पुनर्रचना है, तो जीवन किस तरह का हो सकता है, कैसा है, उस आधार पे हम इसको वर्गीकृत करते हैं। तो वर्गीकरण के जो आधार हैं उसमें जो पहला आधार आता है वो रचना का उद्देश्य। रचना का उद्देश्य एक आधार है कि रचना, लेखक ने रचना करते हुए कोई उद्देश्य बनाया होगा। गोदान लिखते हुए किसान जीवन की त्रासदी को बताना था, इसलिए रचना का उद्देश्य किसान जीवन की त्रासदी था, इसलिए उसका वह उद्देश्य था। उस आधार पे भी हम रचना बांटते हैं। कथा वस्तु किस रूप की है, यह दूसरा आधार है। हम कथा वस्तु के आधार पर भी बांटते हैं, यानी हमारी कथा वस्तु घटना प्रधान है, कथा वस्तु आंचलिक है या ऐतिहासिक है या मनोवैज्ञानिक है या सामाजिक कथा वस्तु है, उस आधार पर भी हम उपन्यास का वर्गीकरण करते हैं। चरित्रों के आधार पर भी हम वर्गीकरण करते हैं। हमारा जो नायक है उपन्यास का, वो सामाजिक चरित्र है, व्यक्तिगत चरित्र है कि कोई प्रातिनिधिक चरित्र है या कोई प्रतीकात्मक चरित्र है या कोई मिथकीय चरित्र है, इस आधार पे हम चरित्रों के आधार पर बांटते हैं। कई बार शैली के आधार पर हम बांटते हैं। हर लेखक की अपनी शैली होती है। कुछ वर्णनात्मक शैली में लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव शैली में, कुछ व्यंग्यात्मक शैली में लिखते हैं, कुछ आत्मकथात्मक शैली में लिखते हैं, कुछ जीवनी परक शैली में लिखते हैं, कुछ रूपक प्रधान शैली में लिखते हैं। तो ये शैली भी एक आधार है उसको बांटने का। और दूसरा अंतिम है जीवन दृष्टि के आधार पर, यानी उपन्यासकार की के उपन्यास में जो जीवन, उपन्यासकार की जो जीवन दृष्टि थी वह उपन्यास में किस रूप में आई है, जीवन दृष्टि के आधार पर भी क्या हम उसे बांट सकते हैं। तो उसको बांटने के क्रम में हमने भाववादी, आदर्शवादी दृष्टि, यथार्थवादी दृष्टि, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टि की बात हम करते हैं। तो इन आधारों पर हम बांटते हैं, इन आधारों पर हम साहित्य अपने उपन्यासों का वर्गीकरण करते हैं, जिससे कि हम उसकी विशेषता, उसके वैशिष्ट्य को, उसके वैशिष्ट्य के आंतरिक सूत्रों को हम समझ पाए कि वह क्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहला जो बांटने का, वर्गीकरण करने का जो आधार है वो रचना का उद्देश्य है। हर साहित्यिक विधा का अपना एक उद्देश्य होता है और उपन्यास भी एक साहित्यिक विधा है। अतः जब कोई साहित्य लिखा जाता है, कोई उपन्यास लिखा जाता है, तो उसका क्या उद्देश्य था, रचनाकार रच रहा है तो उसका क्या उद्देश्य रहा होगा, गोदान लिखा गया तो उसके पीछे क्या उद्देश्य था, किसान जीवन का महाकाव्य उसे कहा जाता है, या मैला आंचल लिखने के पीछे क्या लेखक का मंतव्य क्या था। इस आधार पर हम जब बांटते हैं तो उसे हम कहते हैं कि रचना का उद्देश्य। रचना के उद्देश्य में जो पहली चीज आती है, जैसे राजनैतिक उद्देश्य भी हो सकता है, सामाजिक उद्देश्य भी हो सकता है, सांस्कृतिक उद्देश्य भी हो सकता है और साहित्यिक उद्देश्य भी। तो राजनैतिक उद्देश्य की बात हम, जो पहला है रचना का उद्देश्य अगर राजनैतिक होता है, तो आपने देखा होगा यशपाल, नागार्जुन, रेणु, रांगे, राघव, भीष्म साहनी से लेकर राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी आदि, ये इन लोगों ने राजनैतिक उपन्यास लिखे हैं। राजनैतिक, ध्यान रहे कि राजनैतिक उपन्यास लिखने का मतलब ये नहीं है किसी उपन्यास में कोई राजनैतिक विचारों का प्रतिनिधित्व करना। ऐसा नहीं है कि हम किसी खास विशेष पार्टी के पार्टी लाइन पर उपन्यास लिख दें या किसी विशेष तरह की खास राजनैतिक विशेषताओं को लेकर हम राजनैतिक उपन्यास लिख दें। राजनीति का संबंध ये बहुत बाद में आधुनिक विमर्शों में समझा गया कि राजनीति एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन बीइंग को और उसके आसपास के वातावरण को जो सबसे ज्यादा दो चीजें प्रभावित करती हैं,
वो है उसका अर्थशास्त्र और उसकी राजनीति। यानी राजनीति राज मनुष्य को कहा जाता है, मनुष्य एक राजनैतिक प्राणी है। तो राजनैतिक प्राणी है, अब वो राजनीति किस रूप में, राजनीति के कितनी बारीक चीजें उपन्यास या साहित्य के माध्यम से अपने प्रभावों को व्यंजित करती हैं। आप राजेंद्र यादव का उखड़े हुए लोग उपन्यास पढ़िए, मन्नू भंडारी का महाभोज पढ़िए, वहां राजनैतिक जो चर्चे हैं, जो विश्लेषण है, एक छोटी घटना राजनीति राजनैतिक कोई एक छोटा निर्णय किस रूप में मानव जीवन को बहुत प्रभावित कर जाता है, या मानव जीवन की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए राजनैतिक तमाम चीजें किस रूप में हितकर हैं, किस रूप में अहितकर हैं, किस रूप में हमें देखते हैं। तो राजनैतिक उद्देश्य अगर रचनाकार का है तो वह उपन्यास राजनैतिक होगा। हमने चर्चा की कि उखड़े हुए लोग या मन्नू भंडारी का महाभोज उपन्यास इस रूप में आप देख सकते हैं। इसी रूप में दूसरा आधार है सामाजिक रचना के उद्देश्य में, सामाजिक उद्देश्य भी होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहकर ही वो अनेक तरह के संबंधों, अनेक तरह के संसर्गों और तमाम तरह के ऐसा एक तरह का सह संबंधों में वो जीवन जीता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्यकलाप हैं जो साहित्य के विषय बनते हैं। उसी तरह यदि उपन्यासकार ने कोई सामाजिक समस्या को लेकर, जैसे सेवा सदन में वेश्या उन्मूलन की समस्या है, या मन्नू भंडारी के उपन्यास में आपका बंटी तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, तो जो सामाजिक समस्याओं पर, जैसे निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद का, इन सबको आप देखिए कि ये सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित है। तो अगर रचनाकार का मंतव्य सामाजिक समस्याओं को लेकर होगा तो ऐसा उपन्यास हम इसको कहेंगे कि वो सामाजिक उद्देश्य का उपन्यास है, या उसको हम कह देंगे कि वो सामाजिक उपन्यास है। इस रूप में हम उसे देख सकते हैं। मान लीजिए अल्पसंख्यक विमर्श के बहुत सारे मुद्दे हैं, या इस तरह के बहुत सारे जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको आधार बनाकर यदि कोई रचना लिखी गई है उपन्यास की, तो उसे हम सामाजिक उपन्यास मानेंगे। सांस्कृतिक उद्देश्य भी होता है रचना का, उद्देश्य में एक सांस्कृतिक उद्देश्य रचनाकार का हो सकता है, कोई एक मंतव्य सांस्कृतिक रहा हो, कल्चरल उसका अप्रोच रहा हो, यानी समाज से संस्कृति को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाज का एक वैशिष्टिक रूप या विशिष्ट रूप सांस्कृतिक रूप कहलाता है। हमारे हमारे आचार विचार, हमारे व्यवहार, हमारी कलाएं, हमारा साहित्य, ये सारी चीजें हमारी संस्कृति का है। हमारा धर्म, हमारी भाषा, ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जब इस संस्कृति पर आधारित उपन्यास कोई लिखा जाता है तो ऐसा उपन्यास सांस्कृतिक उपन्यास कहा जाता है। आपको याद होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत सारे उपन्यास सामाजिक जीवन के उपन्यास हैं, लेकिन जितने सामाजिक हैं उतने सांस्कृतिक जीवन के भी उपन्यास हैं। सांस्कृतिक वैशिष्ट्य, वो चाहे आप पुनर्नवा में देखिए या रामदास का पोथा में देखिए, किसी में देखिए, वो आपको लगातार सांस्कृतिक जीवन उसमें मिलता है। या किसी कवि या लेखक पर हम कोई ग्रंथ लिखें या कोई उपन्यास लिखें तो उसको भी हम, या किसी बड़े कलाकार पर कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हमारे उसकी सांस्कृतिक विशेषता या सांस्कृतिक वैशिष्ट्य उसका सामने आता है, तो हम उसको कहते हैं कि यह सांस्कृतिक उद्देश्य से लिखा गया उपन्यास था। आपने देखा होगा रांगी राघव का उपन्यास है जो हिंदी कवियों के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया, कब तक पुकारूं, जिसमें नट जाति के आदिवासियों की जीवन गाथा है। तो यह उपन्यास पूरा सांस्कृतिक वैशिष्ट्य के साथ हमारे सामने आता है। हिंदी की जातीय संस्कृति का वाहक है वो, उसके साथ साथ आदिवासी जनजीवन की संस्कृति और उसको भी बताता है। इस रूप में अगर कोई सांस्कृतिक लालित्य से भरी हुई चीजें हैं, वो सांस्कृतिक जीवन के उपन्यास कहे जाएंगे। बाकी साहित्यिक उद्देश्य तो होता ही है, कहा जाता है कला कला के लिए और कला जीवन के लिए।
साहित्यकार का उद्देश्य जीवन को साहित्य में परिणत करने का होता है। तो एक उद्देश्य साहित्यिक उद्देश्य भी होता है कि जब वो इस उद्देश्य को साहित्य का उद्देश्य मानकर रचना करता है। तो बहरहाल रचना का उद्देश्य जो है वो उसका पहला आधार है। दूसरा आधार है कथा वस्तु का स्वरूप। बड़ी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण आधार यही है, कथा वस्तु का स्वरूप, यानी कथा क्या कहती है, कहानी कैसी है, क्या कहानी ग्रामीण है, क्या कहानी ऐतिहासिक है, क्या कहानी आंचलिक है, क्या कहानी शहरी है, क्या मध्यवर्गीय है, इस तरह से तमाम उसके आधार हो सकते हैं। तो कथा वस्तु बहुत आवश्यक चीज है और प्रत्येक उपन्यास की कथा वस्तु अपने आप में अलग होती है, इसीलिए उस हर चीज की, हर उपन्यास की अपनी कहानी होती है। तो रचनाकार विभिन्न स्थितियों, मनोभावों और तमाम संघर्षों को कथा वस्तु के माध्यम से सामने लाता है। आप देखिए कि चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति जैसे घटना बाहुल्य उपन्यास हुए, तो एक आधार कथा वस्तु का होता है घटना प्रधान उपन्यास। ऐसे ऐसी ऐसी रचना जिसमें घटनाएं बहुत हो, जिसमें विचार से या भावों से अधिक घटनाएं हो, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तमाम तरह के इंसिडेंट्स घटनाएं। तो आपने देखा होगा चंद्रकांता हो, चंद्रकांता संतति हो, भूतनाथ हो, इस तरह के जितने उपन्यास हैं इतने भयानक, इतने ज्यादा घटना प्रधान है, इतनी घटनाएं हो जाती हैं कि कई बार उनको एक स्वरूप में बांध पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन रचनाकार अपनी रचनात्मक क्षमता, लेखन कौशल से उन सारी घटनाओं को ऐसे पिरोता है कि वह एक उपन्यास की शक्ल में हमारे सामने होता है। तो हम उसे कहते हैं कथा वस्तु का जो घटना प्रधान, प्रधानता है अगर उसमें, तो घटना प्रधान उपन्यास से कहा जाता है। हमने पीछे बताया कि सामाजिक उद्देश्य के आधार पर जो लिखे गए उपन्यास हैं, तो उनकी विषय वस्तु या कथा वस्तु कैसी होगी, सामाजिक कथा वस्तु। तो जब सामाजिक कथा वस्तु के आधार पर भी उपन्यास लिखे गए, तो सामाजिक समस्याओं को आधार बनाकर लिखे गए, तो उन्हें हम सामाजिक कथा वस्तु के आधार पर हम बांटते हैं। आप भीष साहनी का तमस उपन्यास देखिए, जो देश की विभाजन और सांप्रदायिक तनाव के का एक तरह का दस्तावेज है, या राजेंद्र यादव का सारा आकाश उपन्यास है, श्रद्धाराम फुलौरी का भाग्यवती उपन्यास है, जो स्त्री शिक्षा यानी समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके आधार पर उन्हीं चीज़ों से बनता बिगड़ता और उन्हीं चीज़ों को दिखाया जाना, उन्हीं चीज़ों का को कथा वस्तु के रूप में लाना, जो कथा वस्तु सामाजिक हो। यदि सामाजिक कथा वस्तु होगी तो वह सामाजिक उपन्यास कहलाएगा। आप उषा प्रेमवदा, मृदुला गर्ग भंडारी, मैत्री पुष्पा, अलका सरावगी आदि लेखिकाओं ने जो स्त्री जीवन के सूक्ष्मादि सूक्ष्म और गहन संवेदना से युक्त चित्रण किए हैं, वो सारे उपन्यास जो हैं वो सामाजिक कथा वस्तु के उपन्यास, क्योंकि स्त्री जीवन जो है वो समाज का हिस्सा है। तो सामाजिक, उसको हम सोशल साइंसेस के अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं। तो या दलित साहित्य जो लिखा गया, या स्त्री साहित्य लिखा गया जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये सारे इसमें सामाजिक जीवन इसमें परिलक्षित होता है, अतः इन ये सारे उपन्यास सामाजिक उपन्यास कहलाते हैं। आंचलिक उपन्यास, आंचलिक कथा वस्तु के आधार पर, अब देखिए आंचलिकता क्या है। आंचलिकता है कि विशेष अंचल या क्षेत्र से संबंधित, विशेष अंचल या क्षेत्र से संबंधित कोई कथा वस्तु लेकर लिखी गई जो रचना है, वह रचना क्या होगी, उसको आंचलिक कथा वस्तु के आधार पर उसे आंचलिक उपन्यास माना जाएगा। सबसे प्रचलित है फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास मैलांचल। तो ये पूर्णिया जिले की, पूर्णिया अंचल की कथा है। तो उस अंचल विशेष में क्या रीति रिवाज हैं, क्या भाषा है, क्या व्यवहार है लोगों का, क्या कुछ जीवन में क्या घटित होता है उन सब का, क्या लोकगीत हैं, और ये अपनी
पूरा अंचल अपनी पूरी विशिष्टता और अपने पूरे गौरव के साथ किसी कथा वस्तु में उपस्थित होता है, तो वो फिर हम उसको कहते हैं कि वो आंचलिक उपन्यास है। आपको मैंने कहा जैसे मैलांचल है, अमृतलाल नागर का उपन्यास है बूंद और समुद्र, जिसमें लखनऊ और देसी मतलब ग्रामीण लखनऊ अंचल का वर्णन है। रांगे राघो का भी हमने बताया कब तक पुकारूं, उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मैत्रेयी पुष्पा का चाक और अलमा कबूतरी इत्यादि जो उपन्यास हैं वो पूरे अपने आंचलिक वैभव के साथ उपस्थित होते हैं। आंचलिकता इसलिए महत्वपूर्ण होती है, हमने कहा कि साहित्य में हम विशेष से विशेषतर की ओर बढ़ते जाते हैं। तो हिंदी का एक अंचल है, हिंदी अंचल में भी अनेक अंचल हैं, तो उन विशेष अंचलों में भी विशेषतर अंचलों उसमें से भी विशेष अति विशिष्ट की ओर हम जब चले जाते हैं, तो कहीं बुंदेलखंड से के क्षेत्र से निकली हुई कथा वस्तु है तो उस अंचल की खुशबू उसमें होगी। आप मैलांचल को आपने देख लिया, या तमाम और उपन्यास हैं विभिन्न क्षेत्रों से जो अपने क्षेत्रों की जो स्थानीय और भौगोलिक विशेषताएं हैं उसको लेकर आते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि भौगोलिक विशेषताएं सिर्फ लावण्य पैदा करने के लिए नहीं है, सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, वो गहरे यथार्थ से भी जुड़े होते हैं। अर्थात जैसे मैलांचल है उसमें लोक गीत हैं तमाम तरह, लेकिन जो गहरा एक तरह का गहरी रियलिटी है, गहरा यथार्थ है, वो उस समय उस पूरे उपन्यास में प्रवाहित होता है। और जो सघन स्ट्रगल है, जो वहाँ के लोगों का जो स्ट्रगल है वो भी हमें उसमें परिलक्षित होता है, उसे भी देखना चाहिए। तो इस तरह के उपन्यासों को हम कहते हैं कि ये आंचलिक उपन्यास है। इसी तरह उपन्यास ऐतिहासिक कथा वस्तु, यदि कथा वस्तु में ऐतिहासिकता का एक तरह की ऐतिहासिक कथा वस्तु है, आप मान लीजिए झांसी की रानी है, या मृगनयनी उपन्यास है बंदा बनलाल वर्मा का, गढ़ कुंडार है, या आप इसके पहले आनंद मठ एक उपन्यास है, कपाल कुंडला है, दुर्गेश नंदिनी, या इस तरह के उपन्यास जिनकी उपन्यास की कथा वस्तु जो है वो ऐतिहासिक है, यानी उसके सारे पात्र और कहानी किसी ऐतिहासिक धरोहर से ली गई हैं, तो उन्हें हम ऐसे उपन्यास को हम ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर ऐतिहासिक उपन्यास मानते हैं। जैसे आप भैरप्पा का उपन्यास है पर्व, पर्व उपन्यास जो है महाभारत की कथा पर लिखा गया है, इसलिए उपन्यास जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास है। कन्नड़ के उपन्यासकार हैं, और आपने मराठी के उपन्यासकार खांडेकर की रचना है ययाति, अब ययाति भी जो है क्या है वो ऐतिहासिक कथा वस्तु है उसमें, इसलिए वो भी हमारा ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाएगा। आपने देखा होगा यशपाल की दिव्या उपन्यास, तो वो भी इतिहास की कथा वस्तु, इतिहास है उसमें, तो ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में उसे हम रखते हैं। इसके बाद कथा वस्तु के आधार पर एक मनोवैज्ञानिक कथा वस्तु, अब क्या है, कहानी यदि मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल अगर उसकी उसका कंटेंट है, उसकी कथा वस्तु है, स्टोरी लाइन अगर उसकी साइकोलॉजिकल है, तो उसको हम मनोविश्लेषणात्मक या मनोवैज्ञानिक उपन्यास मानेंगे। आपने देखा होगा जैनेन्द्र हो, इलाचंद जोशी हो, या गे हो, इनके बहुत सारे उपन्यास मनोचिंतन से आधारित हैं, या फ्रायड के मनोविश्लेषण पर भी, उनकी काम भावनाओं पर भी आधारित हैं, या उनकी चित्रित करने का आधार वही रहा है। आप इलाचंद जोशी के उपन्यासों के पात्रों को देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी मनोचिकित्सक के सामने प्रस्तुत मनोरोग का मसला हो, तो वो पात्र जो है ऐसा मनोरोगी के रूप में, और उपन्यासकार पाठक के सामने वो सारी मनोवैज्ञानिक स्थितियां रखता जाता है जो एक मनोरोगी किसी डॉक्टर के सामने रखता है।
तो आप इसमें देखिए, स्त्री पुरुष संबंध हो, यौन जीवन की गुत्थियां हो, इन सब को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया जाता है। उनका कह लीजिए कि ऐसे उपन्यासों की कथा वस्तु जो जिनकी कथा वस्तु में मनोविश्लेषण हो, मनोचिंतन हो, तो वहाँ आपको ये दिखाई दे जाएंगे। उस तरह आपने, मैंने बताया कि अज्ञेय के उपन्यास हैं, इलाचंद जोशी या जैनेन्द्र के उपन्यास हैं, आप बहुत हद तक त्यागपत्र उपन्यास देखिए, सुनीता उपन्यास देखिए, या इस तरह के उपन्यास आप देखिए, तो उसमें बहुत सारे किशोरों और बच्चों के जो मनोभावनाओं हो उस पर आधारित बहुत सारे उपन्यास हैं, उन सबको देखना चाहिए। वो सारे उपन्यासकार मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहे जाते हैं, या इनको मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की भी संज्ञा दी जाती है। तो दोनों अलग नहीं है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहें हम उसे या मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कहें, क्योंकि वहाँ पात्र जो हैं आपस में मनोविश्लेषण ही कर रहे होते हैं, अपनी व्यथा के माध्यम से उनको मनोविश्लेषण आप उनका कर सकते हैं, तो वो उस रूप में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कथा वस्तु के आधार पर हम देख सकते हैं, विश्लेषण वर्गीकृत कर सकते हैं। एक और आधार है चरित्रों के आधार पर, हमारा चरित्र कैसा है, हमारा अभिनेता, हमारा जो मुख्य चरित्र है उपन्यासकार का, वो कैसा है, सामाजिक है, राजनैतिक चरित्र है, वो कैसा है। तो आपने देखा होगा कि बाण भट्ट की कथा का नायक जो है, बाण भट्ट जो है वो पौराणिक चरित्र है, तो पौराणिक है, तो पूरी कहानी जो है उस आधार पर वर्गीकृत करें तो हम उसको कह सकते हैं कि वो पौराणिक उपन्यास है। वहीं गोदान का जो होरी है वो वास्तविक पात्र है, तो इसको हम कहते हैं यथार्थवादी उपन्यास है, या वास्तविक उपन्यास की श्रेणी में हम उसको रखते हैं। तो इस रूप में हम उपन्यासों का वर्गीकरण भी करते हैं। सामाजिक चरित्र है, आप देखिए कि जो सामाजिक चरित्र आपने देखा होगा, शेखर एक जीवनी में सुनीता, नदी के द्वीप में भुवन आदि जो पात्र हैं, सामाजिक पात्र हैं, इसलिए इन उपन्यासों को हम सामाजिक उपन्यास भी कहते हैं। इस तरह से हमारा अगर चरित्र वैयक्तिक चरित्र है, यानी एक विशेष प्रकार का अगर हमारा चरित्र है, वो आप देखिए जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास सुनीता में हमें दिख जाएगा, नदी के द्वीप में दिख जाएगा, निर्मल वर्मा के वे दिन, मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे, श्रीकांत वर्मा के दूसरी बार में जो स्त्री पुरुष संबंध हैं उनमें जो चरित्र आए हैं, वो स्त्री चरित्र हैं, पुरुष चरित्र हैं, तो बड़े वैयक्तिक चरित्र हैं, यानी वो उसमें एक तरह से व्यक्तिवाद का गहरा असर दिखता है। हमने कहा व्यष्टि और समष्टि, व्यक्ति और समाज, व्यष्टि और समष्टि, तो इनका द्वैध हर जगह रहता है, जहाँ व्यष्टि हावी होती है वहाँ वैयक्तिकता हावी होती है, तो ऐसे चरित्रों को हम वैयक्तिक चरित्र कहते हैं, और उस आधार पर हम पूरे उपन्यास को वैयक्तिक चरित्र का उपन्यास भी मान सकते हैं। हमारे उपन्यासों में प्रतिनिधि चरित्र भी होते हैं, जिसको हम प्रातिनिधिक चरित्र भी कहते हैं, कि ऐसा चरित्र जो बड़ा प्रतिनिधि हो, मतलब वो ऐसा है कि वो बिल्कुल टाइप्ड है, हर जैसे किसान किसी भी वर्ग का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे निर्मला उपन्यास में निर्मला जो है वो हजारों लाखों स्त्रियों की पीड़ा का प्रतिनिधित्व कर जाती है, जैसे गोदान का होरी जो है वो किसानों जो निम्न मध्यवर्गीय किसान हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार यह जो टाइप्ड हुए जो चरित्र हैं उस आधार पे भी हम उपन्यास को बांटते हैं और उस उपन्यास को हम वर्गीकृत करते हैं। कुछ चरित्र प्रतीकात्मक होते हैं, यानी किसी विशेष प्रतीक को, जैसे पिछली कक्षा में हमने कहा कि जैसे आपने देखा होगा सूरदास, उनका प्रेमचंद का उपन्यास है, उसमें सूरदास पात्र आता है, जो सूरदास पात्र है वो किसका प्रतीक है, वो शांति, अहिंसा, सद्भाव और इन सब के कारण वो गांधी का वो बन जाता है, प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए गांधी का वो प्रतीकात्मक चरित्र बन जाता है। नागार्जुन का बाबा बटेश्वरनाथ जैसे उपन्यास आप देखिए, जहाँ
बट परंपरा का प्रतीक चरित्र के रूप में बाबा बटेश्वर नाथ उभर कर आते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ कहीं जब प्रतीकात्मकता हावी हो जाती है, तो वहाँ प्रतीकात्मक चरित्रों की प्रमुखता वाले उपन्यास आते हैं। वहीं मिथकी चरित्र भी होता है। हमारे जितनी पौराणिक कथाएं हैं, वो नाटक कहानी जो भी है, उसमें जो चरित्र है, यदि पौराणिक कथा में आया हुआ कोई चरित्र है, वो चाहे आपके पुनर्नवा हो, अनामदास का पोथा हो, इन सब में जो भी पात्र हैं, वो सारे पात्र हमारे मिथकी पात्र भी हैं। तो उन्हें हम मिथकी चरित्र के आधार पर हम मिथकी उपन्यासों की संज्ञा भी हम देते हैं। दूसरी चीज है शैली के आधार पर। शैली के आधार पर भी हम बांटते हैं। हमने बताया कि शैली के आधार पर हम अगर इसको बांटते हैं, तो सबसे पहला है वर्णात्मक शैली। एक डिस्क्रिप्टिव शैली होती है लिखने की। तो उपन्यास लेखन की सबसे प्रचलित शैली यही है, वर्णनात्मक शैली। आप झूठा सच उपन्यास को देखें, उसके खंड कई खंड हैं, गोदान को देखें, तो पूरा वर्णनात्मक शैली में लिखा हुआ उपन्यास है, जो हम उसको वर्णनात्मक शैली के उपन्यास कह सकते हैं। इसी तरह व्यंग्यात्मक शैली के उपन्यास होते हैं। आपने राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। तो वहाँ व्यंग्य है, वहाँ हर चीज़। अब वो शुरू ही करते हैं कि जैसे ये इस ट्रक को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसका जन्म ही सड़क पर बलात्कार करने के लिए हुआ है। तो इस तरह की व्यंग्यात्मक शैली आप उसमें देख सकते हैं। हरिशंकर परसाई की जितनी कहानियाँ हैं, अच्छा उनका लघु उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, बड़ा व्यंग्य प्रधान उपन्यास है। इंसान लख हाँ कहानी, रानी केतकी की कहानी भी इसी व्यंग्य से उपजी हुई कहानी है। तो यहाँ आप इस तरह के जो उपन्यास हैं, उन्हें आप व्यंग्यात्मक उपन्यास की संज्ञा दे सकते हैं। इसी तरह आत्मकथात्मक शैली के उपन्यास भी हुए। आत्मकथात्मक शैली यानी जब रचनाकार स्वयं उसमें पात्र के रूप में उपस्थित हो, ऐसा लग रहा हो कि वो जैसे कोई आत्मकथा लिख रहा हो। अब जैसे जैसे मैं के अनुभव, जैसे जो कुछ भी घटित हुआ मैं के अनुभव में ही घटित हुआ, बाहर कुछ नहीं हुआ। बाण भट्ट की आत्मकथा आप देखिए, वो पूरी कथा में बाण भट्टनी और न्यूनिया के बारे में क्या सोचता है, तो यह बराबर पाठक को मालूम होता रहता है। लगता है कि जैसे स्वयं लेखक जो है वो चरित्र है। तो इस तरह से जो आत्मकथात्मक रूप से लिखे जाते हैं, जहाँ खुद नरेटर जो है, वो खुद लेखक खुद नरेटर तो है ही, उसके साथ साथ पात्र भी बन जाता है वो, और अपनी जीवन गाथा के बहुत सारे प्रसंगों को इस रूप में हमारे सामने खोलता है। तो ऐसे उपन्यासों को हम कहते हैं आत्मकथात्मक उपन्यास। कुछ जीवनी परक शैली पर लिखे, जैसे हम जैसे शेखर एक जीवनी नाम से ही है कि आप शेखर की जीवनी आप लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ सब बहुत ये बात स्पष्ट है कि वो जो चरित्र है शेखर, उसमें बहुत सारी विशेषताएं और बहुत सारा जीवन अज्ञेय का, स्वयं का जीवन परिलक्षित होता है। दूसरा, बहुत सारी उस समय की राजनीतिक स्थितियां भी परिलक्षित होती हैं। तो इस रूप में भी हम उसे देख सकते हैं। कुछ उपन्यास रूपक प्रधान होते हैं। रूपक प्रधान शैली में लिखे गए उपन्यास यानी उसका कोई एक विशेष रूपक है, चाहे आप राग दरबारी ले लें, मैलाचल ले लें, या महाभोज, जिसमें राष्ट्रीय रूपक धीरे धीरे उभरने लगता है कि पूरे राष्ट्र में लगभग कमोबेश ऐसी ही चीजें हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा उपन्यास आप ले सकते हैं, या अगर पश्चिम में जाएं तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ओल्ड मैन एंड द सी उपन्यास को हम रूपक शैली वाला मान सकते हैं। तो इस रूप में भी हम देखते हैं। तो शैली के आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक और आधार है जीवन दृष्टि के आधार पर। जीवन दृष्टि के आधार पर ये है कि लेखक की अपनी जीवन दृष्टि क्या रही है, वो भाववादी दृष्टि रही है या आदर्शवादी दृष्टि रही है। उस दृष्टि से अगर लिखा गया है, तो अगर वो रियलिज्म या यथार्थवाद पर आधारित है, आदर्शवादी दृष्टि है, आइडियलिज्म पर लिखा गया उपन्यास है, तो उसको हम आदर्शवादी उपन्यास कहते हैं।
या जो भाववादी उपन्यास है यानी भाववादी दृष्टि से लिखा गया है उसको हम भाववादी उपन्यास कहते हैं। तो इस तरह से आप चाहे गोदान हो उसमें रियलिज्म का असर दिखाई देता है, तो कहीं कहीं हमें आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद का भी बहुत सारे पात्र ऐसे हैं, मैलांचल के पात्र ऐसे हैं जो बहुत गांधीवादी हैं। तो गांधीवादी जितने पात्र होंगे वो हमें आदर्शवादी पात्र लगेंगे जिनमें गांधीवादी जीवन दृष्टि का गहरा असर हुआ है। तो ऐसे उपन्यासों को हम आदर्शवादी दृष्टि के उपन्यास कहते हैं। उसी तरह यथार्थवादी दृष्टि होती है यानी रियलिटी के पास, मार्क्सवादी आदर्शों और उनसे प्रेरित जो जो कहते हैं कि मार्क्सवादी आदर्शों से प्रेरित रचनाकार समाज में आमूल चूल परिवर्तन पर बल देना चाहता है। अब ऐसे ऐसी दृष्टि को आधार बनाकर यदि कोई उपन्यास लिखा जाता है तो वो यथार्थवादी दृष्टि का उपन्यास हम उसे मानते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम यथार्थवादी उपन्यास देखें तो प्रेमचंद का गोदान उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास कहा जाएगा। इसके अलावा दृष्टियों में आधुनिकतावादी और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टि अनेक बार प्रचलन में है। तो आप देखिए कि यथार्थवादी लेखक मार्क्सवाद के प्रभाव में आता है, तो धीरे धीरे आधुनिकतावाद के प्रभाव में कुछ रचनाकार आते हैं। अभी आधुनिकतावादी जो दृष्टि है वो क्या है, जो पूंजीवादी संसाधनों और उस पर उपजी हुई पूरी मनःस्थिति और पूरे सौंदर्य शास्त्र को आधार बनाकर जिन्होंने रचनाएं की और पूंजीवादी सत्ता बढ़ेगी, पूंजीवादी समय बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा जो अकेलापन है, ऊब है, संतरास, अजनबीपन, घुटन, पीड़ा, ये सारा स्त्री पुरुष के तमाम तरह के संबंध उपन्यासों में दिखाई देंगे। वो सारे उपन्यास हमें आधुनिकतावादी उपन्यास की दृष्टि से लिखे जाएंगे। वहीं उत्तर आधुनिक दौर जो है वो सब कुछ के तहस नहस और विखंडन का युग है। आधुनिकतावाद में हम चीज़ों को एक तरह से विवेकवादी दृष्टि में व्यवस्थित करते हैं। दूसरी ओर उत्तर आधुनिकतावादी मानता है कोई विवेकवादी दृष्टि नहीं होती, सब कुछ को तोड़ा जा सकता है, कोई सत्य और सौंदर्य नहीं है, सबको हम तोड़ सकते हैं। तो उस दृष्टि से जो उपन्यास लिखे गए उनको हम उत्तर आधुनिक दृष्टि से लिखे गए उपन्यास हम मानते हैं। तो इतने तरह की दृष्टियां हो सकती हैं रचना की दृष्टि के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, कथा वस्तु के आधार पर, इस तरह से शैली के आधार पर और दृष्टि के आधार पर हमने देखे कि उपन्यासों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अब एक जो सबसे प्रमुख समस्या आती है उपन्यास में, उपन्यास की आलोचना में, उपन्यास की आलोचना कैसे हो, उपन्यास की आलोचना किस रूप में हो, क्या उपन्यास की आलोचना कविता की आलोचना की तरह होनी चाहिए या उसका कोई और तरीका और उसका कोई और मानदंड है। तो इस रूप में हमें दिखाई देता है कि साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उनको देखने परखने का जो टूल है, जो दृष्टि है जिसको आलोचनात्मक दृष्टि कहते हैं, यदि उसका ओरिजिन अलग होगा साहित्य के जॉनर का, साहित्य की विधा का, तो हमारे टूल भी बदलेंगे। कविता के टूल से हम उपन्यास की व्याख्या नहीं कर सकते या उपन्यास की आलोचना हम नहीं कर सकते, लेकिन नाटक हो, कहानी हो, आत्मकथा हो, इस आधार पे हम उपन्यास किए। तो उपन्यास की आलोचना दृष्टि की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये उपन्यास किस समय की उपज है, कहाँ से निकलता है और इसकी पूरी सैद्धांतिकी कैसे डेवलप होती है, उन्हीं में इसकी आलोचना दृष्टियां जो हैं समाहित हैं, वहां हम देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उपन्यास की जो आलोचना का वैचारिक आधार है, हमने कहा कि उपन्यास जो है वो पूंजीवाद के उदय के साथ साथ
पश्चिम में आधुनिक समय की उपज है। तो ये एक ऐसा समय था जब सामंतवाद का पतन हो रहा था और पूंजीवाद का उदय हो रहा था। सामंतवाद का पतन हमें 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में दिखाई देता है। तो अब उस रूप में हम देखें कि सामंतवादी जो जो एक तरह का वितान था उसको उसकी आलोचना होने लगी और धीरे धीरे पूंजीवाद ने राजनीति को भी अपने और सत्ता को अपने केंद्र में लाने की कोशिश की। ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ सामंतवाद वो किस पर टिकी हुई, सामंतवाद भू स्वामित्व पर टिकी हुई व्यवस्था है जो धर्म और धार्मिक संस्थाओं पर आधारित होती है या उस पर केंद्रीय भूमिका होती है। अपने यहाँ जो सामंतवाद है या पश्चिम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ संस्थाओं का फर्क है। अपने यहाँ जो भारत देश में जो सामंतवाद था वो भी भू राजस्व पर आधारित था, भू स्वामित्व पर आधारित था। कितना कितनी भूमि का कितनी भूमि के कितने बड़े सामंत हैं आप, और आपके नियम कानून कहाँ से चलते थे, धर्म और धार्मिक संस्थाओं, जैसे वहाँ चर्च की केंद्रीय भूमिका थी तो अपने यहाँ मंदिर की केंद्रीय भूमिका थी, या और जितने धार्मिक अनुष्ठान हैं प्रतिष्ठान हैं वो उन पर उनकी केंद्रीय भूमिका थी। तो बहरहाल सामंतवाद जो है वो एक ओर तो भू स्वामित्व पर टिका होता है, दूसरी ओर अपनी धार्मिक संस्थाओं पर टिका होता है। धीरे धीरे इसका पतन हुआ, पूंजीवाद का उदय हुआ। अब पूंजीवादी जो चिंतन है, जो सोच है, वो उसका मुख्य आधार क्या है? पूंजीवादी चिंतन का मुख्य आधार है कि वो अर्थ को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आर्थिक प्रगति तो देखते हैं लेकिन वहाँ मनुष्य की प्रगति नहीं देखी जाती। आर्थिक प्रगति के साथ साथ हमने एक अंदाजा लगा लिया कि आर्थिक प्रगति होती है तो हम मानते हैं आदमी की भी प्रगति होती है, मनुष्य की भी प्रगति होती है। बहरहाल ऐसी स्थितियों में हुआ ये कि सामंतवाद का धीरे धीरे जब पतन हुआ और पूंजीवाद का उदय हुआ तो ऐसे समय ही ये उपन्यासिक विधा का जन्म होता है। और धीरे 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 ये पूंजीवाद और पूंजीवाद के बाद जो समाजवाद और साम्यवाद आप देखेंगे, जो रूस की क्रांति हुई और तमाम उसका असर हुआ, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच जो बहुत सारी लड़ाई थी वो सब, तो ये सारा एक ऐसा पूरा परिदृश्य ऐसा रच रहे थे जिसमें ये उपन्यासिक विधा का जन्म हो रहा था। अब हमारे पास चूंकि थोड़ा सा प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति भी हो गई थी, उद्योगों का विकास भी हो गया था, हमारे पास मध्य वर्ग धीरे धीरे बदल रहा था, तो हमारे पास प्रिंटिंग के बहुत सारे उपाय आ गए थे, छापे खाने हो गए थे। तो पहले क्या है, छोटी चीज प्रकाशित करने के लिए बड़ी बड़ा श्रम लगाना पड़ता था, तो वहाँ इस तरह के औपन्यासिक महाकाव्य के छपने की गुंजाइश थोड़ा कम थी। लेकिन धीरे धीरे छापे खाने और इसका विकास हुआ तो हमने देखा कि इसके साथ साथ ही ये छापे खाने के विकास के साथ ही देखा गया कि गद्य में लिखी गई चाहे जितनी बड़ी रचना हो उसका प्रकाशन हो सकता है। तो एक इस बात ने भी पुनर्बलन दिया उसको, और पुनर्बलन के साथ साथ एक संवेदना कहाँ से पाता है उपन्यास? तो उपन्यास लेखन की जो संवेदना है वो उस तत्कालीन समाज में जो चल रहा था वही उसकी संवेदना बनी। तो धीरे धीरे पूंजीवादी शक्तियों का बढ़ना हुआ, पूंजीवाद बढ़ रहा था, अकेला पूंजीवाद जब बढ़ता है तो उसके साथ साथ व्यक्ति का अकेलापन बढ़ता है, बर्बरताएं बढ़ती हैं, शोषण भी बढ़ता है। तो धीरे धीरे क्या है, जो शोषण दिखता था सामंतवाद में बाहर से कि बंधुआ मजदूर, वो शोषण जो है वो ढका हुआ शोषण हो गया, वो कोई दिख नहीं रहा था, वो छुपा हुआ शोषण था, लेकिन पीड़ा पीड़ा तो बनी हुई थी। तो इस ऐसी ही पीड़ा में धीरे धीरे ये उपन्यासिक विधा का आरंभ होता है। एक आता है कि ज्ञानोदय की अवधारणा,
और ज्ञानोदय कहा जाता है कि उपन्यास पूंजीवादी अवधारणा है या ज्ञानोदय की अवधारणा है। एक सवाल ये भी उठता है कि आधुनिकता पूंजीवादी अवधारणा है या ज्ञानोदय की अवधारणा है। तो पहले समझिए ज्ञानोदय क्या है। तो इसे कोई खास अंतर नहीं है, इसमें बहुत कोई खास बात नहीं है, सिर्फ टर्म ये है कि वहाँ था पूंजीवाद। तो हमें ये मानना थोड़ा सा इसमें नागवार गुजरता है कि आधुनिकता का संबंध पूंजीवाद से है। तो अगर हम पूंजीवाद से लेंगे तो हम आधुनिकता की अवधारणा हमने क्या बनाई कि मनुष्य को आधुनिकतम होने के लिए, आधुनिक होने के लिए मनुष्य की उन्नति भी हो रही है, उसकी बौद्धिक प्रगति भी हो रही है, उसकी स्वतंत्रता की भी प्रगति हो रही है। तो वो अगर ये चीज़ें हैं तो उसे हम आधुनिक कहेंगे। लेकिन पूंजीवाद में ये जरूरी नहीं था। पूंजीवाद का उद्देश्य क्या था? आर्थिक प्रगति। तो ये जरूरी तो नहीं कि आर्थिक प्रगति होगी तब हमारी प्रगति होगी। हो सकता है आर्थिक प्रगति हो जाए, हमारी प्रगति ना हो। तो इस आधार पे ज्ञानोदय की अवधारणा आई। उसने कहा कि आम तौर पर आधुनिकता को पूंजीवादी विकास से जोड़कर देखा जाता है, और जो जो पुराना है उसके खिलाफ उसकी बात की जाती है। लेकिन ज्ञानोदय ने कहा कि ज्ञानोदय बुद्धि और स्वतंत्रता के विकास पर बल देता है, जबकि पूंजीवादी विकास जो है वो आर्थिक विकास की ओर बल देता है। तो इसलिए कहा गया कि आधुनिकता का संबंध ज्ञानोदय की अवधारणा से है, और इसलिए ये कहा भी उन्होंने आधुनिकता के संबंध में कहा जाता है कि ज्ञानोदय परियोजना के अधिकांश का संबंध स्पष्ट रूप से गैर पूंजीवादी से है, ना सिर्फ पूर्व पूंजीवाद बल्कि गैर पूंजीवादी समाज से भी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ज्ञानोदय को कहा गया कि यह विवेकशीलता और विवेकशील नियोजन का जुनून है। इसके बारे में लिखा गया कि ज्ञानोदय अर्थात विवेकशीलता और विवेकशील नियोजन का जुनून विश्व के पूर्णतावादी दृष्टिकोणों के प्रति लगाव, ज्ञान का मानकीकरण, सार्वभौमिकता, सार्वभौमिक सत्यों और मूल्यों में यकीन, और रैखिक प्रगति, विशेषता बुद्धि और स्वतंत्रता की प्रगति में विश्वास, ये सब सारी चीजें ज्ञानोदय के अंतर्गत आती थी। इसी में निहित था मनुष्य का विकास। इसलिए इस दृष्टिकोण को जोड़कर देखा जाएगा। बहुत हद तक पूंजीवाद ने ज्ञानोदय की संकल्पना को अपने पक्ष में रखा, लेकिन जब उसको लगा कि ज्ञानोदय कुछ और भी आगे की बात करता है जिसमें पूंजीवाद का हित नहीं है, तो उन्होंने ज्ञानोदय की अवधारणा को उसका पल्ला छोड़ दिया। तो इस रूप में हम देखते हैं कि उपन्यास का उदय जो है एक और पूंजीवादी ढांचे की ओर विकसित हो रहा था, उसकी भी उपज था, एक और यह जो ज्ञान ज्ञानोदय की अवधारणा थी उससे भी संबंधित था। धीरे धीरे क्या था कि उस समय यथार्थवाद का विकास, ये दूसरा पॉइंट था उनका, कि धीरे धीरे आधुनिक कला सिद्धांतों में यथार्थवाद का बड़ा केंद्रीय महत्व है। यथार्थवाद यानी रियलिज्म, यानी हर चीज को हूबहू कहने की आदत, वो चाहे कला में हो, चित्रकला में हो, नृत्यकला में हो, गायन में हो, साहित्य में हो, वो हूबहू उसी यथार्थ की बात कहते हैं। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र लिखते हैं कि हमारे कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि कलाकार या रचनाकार का सरोकार मूलतः इस वस्तु जगत और उसके अनंत रूपों से ही होता है। फिर धीरे धीरे आगे वो कहते हैं, कला और साहित्य रचना की सहज और अंतर्निहित प्रवृत्ति के रूप में उसकी स्थिति बराबर बनी हुई है। उनके अभाव में सार्थक कला रचना संभव ही नहीं है। यही कारण है कि कला रचना के एकदम प्रारंभिक युगों से उसके अद्यतन विकसित रूप तक उसकी रचना प्रक्रिया का ही स्वरूप है। तो इस रूप में हम देखें कि यथार्थवाद को ये कहा जाता है कि वह अपने बिंब का संबंध जो साहित्य है, वह अपने बिंब का संबंध जो कुछ प्रकृति के क्षेत्र में अथवा मानवीय विचारों या भावनाओं के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थित है, उससे काट नहीं सकती। कारण यह सब वास्तविकता के साथ उतने ही अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है जितना कि वस्तु जगत। तो
अब वो जो वस्तु जगत है, जिसको सार्त्र ने कहा कि हम जो कुछ भी होते हैं अपने वस्तु जगत से होते हैं, हमारी संवेदनाएं जो हैं वस्तु जगत पर निर्मित करती हैं, तो ये इसमें सबसे पहली बार यथार्थ का जो गहरा असर पड़ा वो फ्रांस की राज्य क्रांति 18वीं सदी में, 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, उसने सामंती व्यवस्था को चुनौती दे दी। और धीरे धीरे जो आपने देखा होगा रोमांटिसिज्म या स्वतंत्रतावाद साहित्य में आया, वो ज्ञान उदय के प्रभाव में धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस तरह से धीरे धीरे ये कुल मिला कहने का मतलब है कि उपन्यास का उदय इसी पृष्ठभूमि में हो रहा था कि जहाँ रियलिटी पर जोर देना था, जहाँ कोई जो सामाजिक विसंगति है, सामाजिक जो विडंबना है, उस पर बात करनी थी। तो धीरे धीरे उसके लिए बहुत सारे विस्तार की जरूरत थी और उस विस्तार को बनाने के लिए उपन्यास लिखना जरूरी था। तो इस रूप में वह हमारे सामने आता है। एक चीज और आती है कि आधुनिकतावाद और अस्तित्ववाद। तो थोड़ा सा इस आधुनिकतावाद और अस्तित्ववाद को 2 मिनट में आपको समझना चाहिए कि आधुनिकतावाद है क्या, इसका संबंध क्या है। तो हमने कहा कि आधुनिकतावाद का संबंध एक और पूंजीवाद से है। तो पूंजीवाद ने आधुनिकता को क्या दिया? पूंजीवाद ने आधुनिकता को आर्थिक प्रगति दी। आर्थिक प्रगति होती है तो हमने बताया कि मध्य वर्ग का विकास होता है। मध्य वर्ग का विकास होता है, धीरे धीरे पलायन भी होता है गांवों से शहरों, तो धीरे धीरे आदमी जो है वो परिवार से कटता है। तो जो पहली बार अकेलेपन की अनुभूति हुई, जिसको अकेलापन, पीड़ा, संतरास, अजनबियत का भाव जो पहली बार आया, वो आधुनिकतावाद की देन थी। और आधुनिकतावाद ने एक तरह से आदमी के अकेले पड़ जाने की दास्तान को बताने की कोशिश की है। धीरे से वही अस्तित्ववाद में बदल जाती है। तो आपने देखिए, आप ज्यापाल सात्र हो, अल्बेर कामू हो, फ्रेंच काफ्का हो, या दोस्तोवस्की हो, इनकी जो कथा, इनकी जो कहानियां हैं, विवेकशीलता को भी मनुष्य के लिए हितकर नहीं मानते हैं। जिस विवेकशीलता की बात हम कर रहे थे कि ये ज्ञानोदय वाली अवधारणा से जुड़े, उनका कहना था कि ये कोई भी कुछ विवेकशील नहीं होता, कोई सत्य नहीं हो सकता। जिस पूंजीवाद ने हमें बताया कि सत्य हो सकता है, कुछ ये चीज़ सुंदर हो सकती है, ये चीज़ संरचना का सही हो सकती है, तो उत्तर आधुनिकता ने उसको तोड़ा, कहा कि कुछ भी, सब कुछ एब्जर्ड हो सकता है, कोई सत्य नहीं हो सकता, कोई सौंदर्य नहीं हो सकता है, सब कुछ विखंडित हो सकता है। आगे देखिएगा, जब विखंडनवाद इसी से निकला है, उत्तर संरचनावाद इसी से आया है कि हम जब दो शब्दों को तोड़ते हैं तो अर्थ निकलता है। तो धीरे धीरे उस एब्जर्ड दुनिया की तरफ, अल्बेर कामू का साहित्य, चिंताओं का जो बहुत सारा एक तरह से मिसफिट या आउटसाइडर जो आदमी महसूस कर रहा है अकेला, उसको आप उस पूरे साहित्य में देख सकते हैं। तो इसने पूरी उत्तर आधुनिकता की पृष्ठभूमि की रचना कर दी, और यही उत्तर आधुनिकता जो है वो पूरे महाकाव्यात्मक रूप को सत्य न मानकर, वो पाठ को, टेक्स्ट को, उसने कहा कि महाकाव्य सत्य नहीं है, सत्य है टेक्स्ट यानी पाठ, छोटा पाठ भी, वो उस महाकाव्य के विखंडन की ओर ले जाता है, उस पूरे पाठ को तोड़ने की ओर ले जाता है। वास्तविकता, वो कहता है, ना तो वास्तविकता निश्चित है ना विवेकपूर्ण निश्चित है, दुनिया में कुछ भी संभव हो रहा है। उनका मानना है दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो है तो वास्तविक लेकिन विवेकपूर्ण नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि न कोई सत्य है और न कोई सुंदर है, हर चीज़ों के मिथक हमें तोड़ने चाहिए। इनकी बात हमें उत्तर आधुनिकता में की गई। अब इसी उत्तर आधुनिकता के विमर्श में आदिवासी विमर्श है, स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है, इसी के गर्भ से निकले हुए कहे गए हैं। क्योंकि जहाँ अल्पसंख्यकों, हाशिए या इन लो इन हाशिए पर धकेल दे दिए गए समुदायों, नारी विमर्श की ओर जो ध्यान गया, वो इसी पाठ के डिस्कोर्स के कारण गया। हम विखंडित पाठ की ओर जब बढ़े तो उसके अंदर की पीड़ा और वो हमें दिखाई दी।
धीरे धीरे आपने देखा कि भूमंडलीकरण का दौर, उसमें छूटते जा रहे हाशिए के सवालों को फिर से केंद्र में लाने का काम उत्तर आधुनिक विमर्शों ने किया, और इसके साथ साथ संरचनावाद, उत्तर संरचनावादी जो विखंडनवादी चिंतन है वो धीरे धीरे कर रहा था। तो इस तरह से ये सब ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे क्या है, हमारी औपन्यासिक आलोचना की दृष्टि निर्मित होती है कि किसी कृति में कौन सी दृष्टि का प्रयोग करके लेखक ने रचना की है, उसकी तह तक जाना है तो हमें इन दृष्टियों को समझना होगा। अब उपन्यास की आलोचना के जो प्रमुख मुद्दे हैं, अब वो बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। कथानक का मुद्दा है कि ये कैसा है, पात्र कैसा है, जिसमें जैसे रंगभूमि का नायक किसी शहरी परिवार से संबंध है, न तो राजसी शान शौकत से, फिर भी वो एक महान नायकों से अधिक प्रेरणादायी और प्रभावशाली बनकर हमारे सामने आता है। तो ये जो कह लीजिए कि जो कथानक है, पात्र हैं, उनके जीवन संघर्षों को व्यापक फलक पर देखने की जो दृष्टि है वो उपन्यासिक आलोचना की दृष्टि बन सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ा प्रश्न है उपन्यास की आलोचना में, वह है कि उपन्यास में अभिव्यक्त जीवन या उपन्यास में जो अभिव्यक्त होने वाला जीवन है वह कैसा है। वो जीवन किसी मामूली नाविक का है, या रॉबिन्सन क्रूसो का नायक जो क्रूसो है वो मामूली नाविक का जीवन है, या आप देखिए कि बहुत धीरे धीरे उपन्यासों में जो नायक आए हैं हमारे यहाँ, वो मजदूर भी हैं, शिक्षक भी हैं, छोटे व्यापारी भी हैं, विद्यार्थी, क्लर्क, बेरोजगार, घरेलू स्त्रियाँ, वेश्याएँ, इन सब का जीवन उपन्यास में प्रवाहित होता है। और जो अभिव्यक्त जीवन प्रवाहित होता है वही उपन्यास की आलोचना दृष्टि से जुड़ा होता है। शेक्सपियर के जो त्रासद नाटकों में कहीं पीड़ादायी त्रासदी की रचना गोदान में हमें दिखाई देती है, होमर और इलियड या रामायण महाभारत से कहीं ज़्यादा स्ट्रगल हमें ओल्ड मैन एंड द सी में हमें देखने को, हेमिंग्वे की रचना है वह उसमें मिल जाता है, या रंगभूमि का जो स्ट्रगल है वो ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल हमें दिखाई देता है। तो इस रूप में जो जीवन है, जो उपन्यास में अभिव्यक्त जीवन है, वह किस रूप से औपन्यासिक आलोचना का वो बन जाता है। और उपन्यास के संबंध में जो सबसे तीसरा प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वास्तविकता की अभिव्यक्ति, रियलिटी का जो एक्सप्रेशन है वो हुआ है कि नहीं उपन्यास में। तो इस रूप में हम देखते हैं कि यदि किसी भी उपन्यास में वास्तविकता एक सी नहीं रहती, हर जगह वास्तविकता अलग अलग है, किसी कहीं साहस, त्याग, संघर्ष और सच्चाई है, तो कहीं स्वार्थ, समझौता और घिनौने तमाम तरह के आडंबर भी दिखाई देते हैं। तो वास्तविकता को व्यक्त करने का सिर्फ नकारात्मक पक्षों को व्यक्त करना ही नहीं है वास्तविकता की अभिव्यक्ति, वह असल में वास्तविकता के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देता है कि जो कुछ वास्तविक है उसका दृष्टिकोण, वस्तुपरक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। जीवन के किसी भी पक्ष को प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन उपन्यासकार उसमें तार्किकता और सुसंगत की तलाश भी करता है, जिसके बिना उपन्यास एक साहित्यिक रचना के रूप में नाकामयाब हो जाता है। यानी रियलिटी के साथ उपन्यासकार की उस तार्किकता और सुसंगति बैठती है कि नहीं, कथाक्रम में, कथा वस्तु में वो रियलिटी का आना सुसंगत है कि नहीं, अगर है तो फिर उसमें आएगा, अन्यथा फिर उसका कोई, उस रियलिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता कि अनावश्यक कोई रियलिटी आई जिसका कथा वस्तु से या कथा के क्रम या उसकी तार्किकता से कोई संबंध नहीं रहा। इसमें जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है उपन्यास के संबंध में वो है भाषा और शिल्प का। तो गद्य रचना होने के नाते बहुत ही ऐसी बिंब और ऐसी तस्वीर पेश करने की क्षमता उपन्यास में है जो अन्य विधाओं में नहीं होती है। तो उपन्यास की आलोचना के संबंध में भी हमें भाषा और शिल्प की आलोचना को
बहुत ध्यान और महत्व को इसके महत्व को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उपन्यासकार इन विधाओं का प्रयोग करते हुए कथा कहने के लिए वर्णन, विवरण और विश्लेषण ही सिर्फ नहीं करता, बल्कि ज़रूरत पड़ती है तो वो बिंबात्मक भी हो जाता है, प्रतीकात्मक भी हो जाता है और मिथकी पद्धति का भी प्रयोग करता है। ये सारी पद्धतियाँ शिल्प और भाषा से संबंधित हैं, तो उन पद्धतियों के इस्तेमाल करके भाषा के स्तर पर भी उपन्यास के लिए इतनी संभावनाएं मौजूद होती हैं कि वह बोलचाल की भाषा से लेकर मुहावरे की भाषा से लेकर निबंध की विश्लेषणात्मक भाषा, काव्य भाषा की विशेषताओं और विशिष्टताओं का इस्तेमाल कर सकता है। तो इस रूप में यह ध्यान रखना जरूरी है कि उपन्यास की आलोचना में भाषा और उसके शिल्प का क्या महत्व है, यह भी हमें ध्यान रखना होगा। उपन्यास का संबंध यथार्थवाद से है, जैसा मैंने ऊपर बताया कि यथार्थवाद से बहुत गहरे जुड़ा होता है उपन्यास और वह उसी रूप में देखा जाता है। कहा जाता है प्रतिनिधि परिस्थितियों में प्रतिनिधि पात्रों के चित्रण से संबंध रखती है, कौन सी परिस्थितियां प्रतिनिधि हैं और कौन से पात्र प्रतिनिधि हैं, इसका निर्णय लेखक की सत्यान्वेषी वस्तुमुखी दृष्टि को करना है। प्रतिनिधि रूप से जोर इसलिए है ताकि वस्तुगत यथार्थ और उसके अंतर्गत सक्रिय मनुष्य के माध्यम से वास्तविकता को उसकी समग्रता में अंकित किया जा सके। तो यथार्थ का संबंध प्रातिनिधिकता से होने का तात्पर्य सिर्फ यह नहीं है कि वह प्रकृतिवादियों की तरह औसत आदमी के जीवन की क्षुद्रता को व्यक्त करे, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति के मन की ग्रंथियों को चित्रित करे जो कि मनोविश्लेषणवादी करते हैं। जैसा कि लुकाच ने कहा है, सुकुमार मिश्र कहते हैं कि सच्चे तथा महान यथार्थवाद का लक्ष्य, और जैसा कि समाज जीवन मनुष्य के जीवन के यत्र तत्र बिखरे स्फुट अंशों को ही परखने और मूर्त करने का नहीं होता, वरन उनकी दृष्टि इनके संपूर्ण रूप को उभारने की ओर रहती है। वह उन्हें इनकी संपूर्णता में ही देखने का बल देता है, देखने की ओर बल देता है। तो इस रूप में यथार्थवाद और उपन्यास को देखना चाहिए। एक और आता है आलोचनात्मक यथार्थवाद। अब जो ये आलोचनात्मक यथार्थवाद क्या है, समाजवादी यथार्थवाद क्या है, जादुई, ये तीन शब्द बहुत चलते हैं उपन्यास की आलोचना में, इन्हें थोड़ा समझना होगा। रूस की क्रांति के बाद जो सामूहिक प्रयत्न हुआ और मैक्सिम गोरकी ने जो रियलिटी के बारे में कहा कि समाजवादी यथार्थवाद, एक टर्म का प्रयोग किया, एक पद का प्रयोग किया, समाजवादी यथार्थवाद। अब यथार्थवाद के इस नए रूप के लिए मार्क्सवादी चिंतकों के पास कोई शब्द नहीं था, तो उन्होंने समाजवादी यथार्थवाद के लिए आलोचनात्मक यथार्थवाद नामक एक शब्द को कॉइन किया और उन्होंने कहा कि यह आलोचनात्मक यथार्थवाद है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए आलोचनात्मक यथार्थवाद समाजवादी यथार्थवाद ही है और इसका कोई खास अलग इसका कोई अर्थ नहीं है। एक मैक्सिम गोरकी का दिया हुआ शब्द है और आलोचनात्मक यथार्थवाद मार्क्सवादी आलोचकों का दिया हुआ। मुख्य अंतर इस वास्तविकता में होता है कि यहाँ लेखक का आग्रह समाजवादी दृष्टि के प्रति नहीं होता, वरन यथार्थ को वस्तुनिष्ठ और समग्रता से प्रस्तुत करते हुए उसके प्रति आलोचनात्मक रवैये में होता है। ये थोड़ा फर्क होता है, यानी एक ओर लेखक की दृष्टि समाजवादी यथार्थवाद पर होती है और एक ओर दृष्टि समाज के सीधे यथार्थ पर होती है। वो समाजवादी यथार्थ है या क्या है, लेकिन उनका कहना है कि वो आलोचनात्मक यथार्थवाद का को आलोचनात्मक रवैये के साथ उसका उसकी व्याख्या करता है। आलोचनात्मक यथार्थवाद का संबंध बुर्जुआजी समाज से है, जहाँ लेखक पूंजीवादी समाज के प्रति अपने असंतोष और अस्वीकार को साहित्य के माध्यम से व्यक्त करता है। तो इस रूप में भी हमें देखना है कि वो बुर्जुआजी समाज से किस प्रकार उस असंतोष और पीड़ा को और उस अस्वीकार को व्यक्त कर रहा है जिसके लिए वो अपने उपन्यास में महत्वपूर्ण रूप से सामने आता है। समाजवादी यथार्थवाद एक और टर्म था
जिसकी बात की गई, जिसके बारे में शिव कुमार मिश्र लिखते हैं कि समाजवादी यथार्थवाद यथार्थवादी कला आंदोलन के विकास की नई मंजिल है। जिस प्रकार से हमने कहा कि वो बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी यथार्थवाद की बात की गई, जहाँ यथार्थवाद को समाज से जोड़कर देखा गया कि यथार्थ है तो समाज का यथार्थ होगा। तो अब इसमें देखिए, आप गोर्की का नाम लिया, शोलोखोव का नाम और आस्तोवश्की का नाम भी लिया जा सकता है। तो ये लोग इस समाजवादी ये यथार्थवाद के पुरस्कर्ता के रूप में रहे हैं। एक और टर्म आता है जादुई यथार्थवाद। ये जादुई यथार्थवाद क्या है? सोवियत संघ और समाजवादी विघटन के बाद मध्य वर्ग के प्रति जो मोह भंग पैदा हुआ, इसने किस हर तरह की आस्थाओं पर पराजय प्रहार किए, यानी किसी तरह की आस्था की बात नहीं की। वहाँ पूंजीवाद की नकली चमक दमक, समृद्धि के विराट कुचक्र में फंसे हुए, उलझती जा रही जिंदगी और उससे निकलने का रास्ता नहीं नजर आ रहा था। और इस तरह के पूरे एक तरह के पूरे परिदृश्य में जादुई यथार्थवाद इसी दौर का यथार्थवाद है जो तीसरी दुनिया के यथार्थ से उत्पन्न हुआ। तो जो तीसरी दुनिया में जो ये जो पूंजीवादी कुचक्र में फंसते हुए लोग हैं, उनका उनकी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए इस जादुई यथार्थवाद की बात लेखकों ने की, आलोचकों ने की। जादुई यथार्थवाद में यथार्थवाद का कोई निषेध नहीं है, न ही यथार्थ को वस्तु जगत रूप से प्रस्तुत करने या समग्रता से प्रस्तुत करने का निषेध है। सिर्फ इसे जटिल रूप से जो आज दिखाई दे रहा है उसे व्यक्त करने के लिए एक पद्धति भर है ये। और यह पद्धति ऐसी है कि इसमें एक जादुई शैली, जिसको यथार्थवाद के नाम से जोड़कर देखा गया, लेखक ऐसी रचनाओं में यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रायः ऐसी अयथार्थवादी पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं जो अलौकिक और अमानवीय भी होती हैं, जो घटनाएं, स्थितियां, भावनाओं के बीच सतही तौर पर कोई तर्कसंगत सामंजस्य नहीं रखती। मसलन, अब इसे समझें ऐसे कि यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए अयथार्थवादी पद्धति, यानी रियलिटी को व्यक्त करने के लिए, जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति जो है बड़बड़ा रहा था अपनी पीड़ा में, तो एक भूत प्रकट हुआ और उस भूत से वो अपनी पूरी कहानी कहता है, फिर भूत उसको आगे ले जाता है। तो यथार्थ तो है, यथार्थवादी पीड़ा है, लेकिन अयथार्थवादी पद्धति से प्रयोग किया गया है। अब भूत और तिलिस्म जो है वो कैसे, यथार्थ तो है नहीं वो, लेकिन वो यथार्थ को प्रकट करने का एक जादुई एक तरह की शैली है, जिसको हमने जादुई यथार्थवाद कहा। अमेरिकी कथाकार मार्केज हैं, उनका द 100 ईयर्स ऑफ द सॉलिट्यूड एक जादुई यथार्थवाद की से सर्वोत्तम रचना माना जाता है। तो इसमें यह है कि यथार्थ को प्रस्तुत करने के लिए, चाहे वो घटनाएं हों या स्थितियां हों, उनमें अयथार्थवादी पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाए, और जो जादुई किस्म की हों, जिनका सामान्य जन जीवन से कोई सीधा संबंध न हो, उसे हम जादुई यथार्थवाद कहते हैं। एक और चीज आती है उपन्यास के संबंध में, प्राकृतवाद, प्रकृतवाद भी कहते हैं इसको, नेचुरलिज्म कहा जाता है अंग्रेजी में। तो अब देखिए, आपने अरस्तु के पहले प्लेटो प्लेटो जो थे प्रकृतिवादी थे, उनका कहना था कि जो कुछ भी है वो है प्रकृति में है, जो कुछ भी है नियति, यानी नियतिवादी भी इनको कहा जाता है। तो इन इनका मतलब यह है कि इनमें मनुष्य के दैहिक पक्ष पर बल दिया जाता है, पशुओं के साथ उसकी सगोत्रता और निकटता स्थापित की जाती है, और विवेक शून्य चिंताधारा की आधार पीठिका में स्पष्ट करते हुए उसके आदर्शों और विचारों की क्षण जीविका तथा निरर्थकता का प्रतिपादन किया जाता है। शिव कुमार मिश्र लिखते हैं कि प्रकृतिवादी लेखक का जीवन के प्रति दृष्टिकोण मूलतः भौतिकवादी तथा निराशाजनक और नियतिवादी होता है। जिंदगी उसके लिए एक हारी हुई लड़ाई के समान है। तो यहाँ जो नियतिवादी निराशाजनक क्यों है, उसका मानना है कि जो नियति में है वो होगा ही होगा, हम कुछ भी कर लें, तो वहाँ एक तरह की निराशा है। तो उपन्यास और उसको, प्रकृतिवाद को भी जोड़कर देखा जाता है।
दूसरी ओर एक उपन्यास की समाजशास्त्रीय आलोचना की भी बात की जाती है। तो ये समाजशास्त्रीय आलोचना क्या है? समाजशास्त्रीय आलोचना में जो हमने कहा कि सामाजिक विज्ञान के जो टूल हैं उनके आधार पर उपन्यास को देखना परखना। आप देखिए कि चाहे वो उत्तर आधुनिक आलोचना हो, मनोविश्लेषणवादी आलोचना हो, संरचनावादी आलोचना हो, ये सारी आलोचना दृष्टियां खास तौर से इसी पर आधारित हैं। जो व्यक्ति स्वतंत्र समाज के बरक्स व्यक्ति और उद्योगीकरण मशीनीकरण से उत्पन्न एकाकीपन अविच्छिन्नता के चित्रण पर बल दिया जाता है। मनोविश्लेषणवादी आलोचना में उपन्यास को व्यक्ति के अंतर्गत अंतर जगत के विभिन्न स्तरों विश्लेषण विवेचन पर बल दिया जाता है। वहीं उत्तर आधुनिकतावादी आलोचना में यदि एक ओर यथार्थवाद का निषेध होता है तो दूसरी ओर आधुनिकता का भी अस्वीकार होता है। तो इस रूप में आप देखते हैं कि ये आधुनिकतावादी या मनोविश्लेषणवादी या उत्तर आधुनिक आलोचना पद्धतियां इस रूप में विकसित होती हैं। तो यह उत्तर आधुनिक उपन्यास की जो अंतर वस्तु है वह उसके पाठ और उसकी संरचना में विखंडन को अपनी आलोचना का आधार बनाती है। तो इस रूप में भी वो देख सकते हैं उसे और समझ सकते हैं। तो ये सारी पद्धतियां जो हैं वो उपन्यास की आलोचना दृष्टियों को बताने के लिए हमारे सामने आती हैं। और इसके बाद अनेक ऐसी भी चीजें हैं जो उपन्यास की आलोचना में उसके उद्भव से लेकर आज तक की जो विकास यात्रा है उनके क्रम में हमने उसको बराबर, अब हम आज पहले की तरह जैसे चंद्रकांता उपन्यास या चंद्रकांता संतति की बात हम करें तो उसे देखने का जो नजरिया होगा वो आज जो नए उपन्यास आ रहे हैं वो नजरिया में फर्क होगा। तो हमने इस पूरे क्रम में अपनी दृष्टि भी बदली है, विकसित भी की है। और उपन्यास को एक यथार्थवादी साहित्यिक विधा माना गया जाता है। तो यह सिर्फ यथार्थ की यथावत अभिव्यक्त नहीं है, यह सिर्फ वस्तुपरक दृष्टि से देखने का नाम नहीं है, उसमें बहुत सारे रूपों में हमारे लेखक की कल्पना जिस और उसको उपन्यास को देखने की बहुत सारी दृष्टियां, जैसे यथार्थवाद को देखने की आलोचनात्मक दृष्टि, समाजवादी दृष्टि, जादुई यथार्थवाद आदि दृष्टियों में किया गया है, उसे देखना इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है। उपन्यास की आलोचना सिर्फ यथार्थवाद की दृष्टि से ही नहीं की जाती, हमने बताया कि उसमें प्रकृतिवाद भी है, समाजशास्त्रीयता की दृष्टि से भी आप उसे देख सकते हैं, मनोविश्लेषण के आधार पर भी उसे देख सकते हैं, उत्तरवादी उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टियों से भी उसे हम देख सकते हैं। और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टि में हमें याद रखना चाहिए विखंडनवाद, जो पाठ को डिकंस्ट्रक्ट कर देता है, उस रूप में हम उसे देख सकते हैं। सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखने की हैं, एक ये है कि हमने कहा कि उपन्यास के वर्गीकरण के जो आधार हैं वो रचना का उद्देश्य हो, पात्रों का, या मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हो कथा वस्तु के आधार पर या शैली के आधार पर और तमाम तरह के जो आधार हैं, उन्हीं आधारों पर जब हम बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं उपन्यास को, तो वही आधार ही हमें एक सैद्धांतिकी भी देते हैं कि हम उसकी व्याख्या किस रूप में करें। मसलन अब अगर हम कहें कि मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है तो इस उपन्यास को हम ऐतिहासिक उपन्यास की के टूल्स तो से उसकी आलोचना नहीं कर सकते, हमें आंचलिक उपन्यास मानकर उसे उसी टूल्स के आधार पर उसका विश्लेषण किया जा सकता है, यह भी ध्यान रखने वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही, दोनों हमने आज देखा कि हमने कितने तरह के विभाजन हो सकते हैं उपन्यास में और दूसरी ओर उसके आलोचना की क्या पद्धतियां हो सकती हैं। अब आप लोगों के सवाल, अभिषेक जी सवाल आप लोगों के जो भी हों बताइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत अच्छी अपनी दृष्टि रखी है मुझ पर। जो उपन्यास में, उपन्यास का जो हम
आमतौर पर हम लोग पढ़ लेते हैं कहानी के तौर पर, हमारे मानस में स्थित हो जाती है, लेकिन जब हम उपन्यास की बात करते हैं तो साहित्य की किसी विधा की, तो उसके बनने में बहुत सारे नियम या विशेषताएं आती है, जिसमें वस्तुशिल्प हो, चाहे भाषिक संरचना हो, चाहे उसके वर्गीकरण हो, चाहे आलोचना की दृष्टि, उसके संदर्भ में चर्चा करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं, आप विद्यार्थियों ने कुछ प्रश्न लिखे हैं उन्हें मैं आपके समक्ष रखता हूँ सर, साथ ही साथ मैं विद्यार्थियों से अनुरोध भी करूंगा कि उनके कुछ प्रश्न हो अगर इसके अलावा भी तो निरंतर लिखे चैट बॉक्स के माध्यम से। सर पहला प्रश्न एक आशीष जी ने पूछा है, वो पूछते हैं कि उपन्यास का वर्गीकरण की विभिन्न आधार क्या है, किन आधारों पर हम उपन्यास को वर्गीकृत करते हैं, वो दोबारा से इसको। हाँ, समझ गया। वर्गीकरण के जो आधार आज मैंने बताए वो पांच आधार बताए हैं, जिसमें पहला आधार है रचना का उद्देश्य, यानी हम रचना का क्या उद्देश्य है। रचनाकार के मन में कोई उद्देश्य होता होगा कि राजनैतिक उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य है या सांस्कृतिक उद्देश्य है, तो पहला आधार है उसका रचना का उद्देश्य। और दूसरा आधार जिसकी चर्चा की हमने वह है कथा वस्तु का स्वरूप, कथा वस्तु कैसी है, सामाजिक कथा वस्तु है, आंचलिक कथा वस्तु है, ऐतिहासिक कथा वस्तु है या मनोवैज्ञानिक कथा वस्तु है। इस रूप से भी हमने दूसरा जो इसका आधार था कथा वस्तु का जो स्वरूप है उस आधार पर हमने बताया। तीसरा जो आधार है उपन्यास के वर्गीकरण का वो चरित्र के आधार पर, यानी हमारा चरित्र कैसा है, सामाजिक चरित्र है, वैयक्तिक चरित्र है, प्रतिनिधिक चरित्र है, प्रतीकात्मक चरित्र है या मिथकी चरित्र है। इस आधार पर भी हम अगर उपन्यास का वर्गीकरण करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह उपन्यास मिथकी चरित्र का मिथकी उपन्यास होगा। जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो क्या है, उसमें मिथकी चरित्र है बाणभट्ट, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह मिथकी उपन्यास है। इसी तरह शैली के आधार पर भी हमने बात बताया कि वर्णात्मक शैली होती है, व्यंग्यात्मक शैली होती है, आत्मकथात्मक शैली होती है, जीवनी परक शैली होती है। इस आधार पर भी हम उपन्यास का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे गोदान को हमने और झूठा सच उपन्यास को हमने वर्णात्मक शैली का उपन्यास कहा, राग दरबारी को सब जानते हैं व्यंग्यात्मक शैली का उपन्यास है, और बाणभट्ट की आत्मकथा जो है आत्मकथात्मक शैली का है, शेखर एक जीवनी जीवनी परक उपन्यास है। इस प्रकार से शैली के आधार पर भी हम उसे बांट सकते हैं। एक पांचवा आधार भी था जीवन दृष्टि के आधार पर, जो हम आदर्शवादी दृष्टि, यथार्थवादी दृष्टि या आधुनिकतावादी और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टि के रूप में देख सकते हैं। यानी लेखक का जो दृष्टिकोण है, जो जीवन दृष्टि है लिखने में, वो उपन्यास की जीवन दृष्टि रही क्या है, इस आधार पर भी हम उसे देख सकते हैं। आप यथार्थवादी उपन्यास के रूप में गोदान को आप ले सकते हैं, आधुनिकतावादी उपन्यास या उत्तर आधुनिक उपन्यास, जितने दलित उपन्यास, स्त्री महत्व के उपन्यास, वो सारे उत्तर आधुनिक उपन्यास हैं। तो इस रूप में जीवन दृष्टि के आधार पर भी हम उपन्यास को बांट सकते हैं। तो ये पांच आधार थे जिन आधारों पर हमने उपन्यासों के वर्गीकरण की बात की। जी सर। सर एक प्रश्न जो एक तरह से मैं भी पूछना चाह रहा था, एक विद्यार्थी ने लिखा है, वो पूछता है कि साहित्य में आलोचना की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब साहित्य के इतिहास किसी भी साहित्य में, बेसिकली मैं हिंदी साहित्य की चर्चा कर रहा हूँ, कि साहित्य में आलोचना की शुरुआत क्यों हुई, उसका क्या आवश्यकता है, क्या आलोचना ने साहित्य को क्या अच्छा नया दिया जिससे कि वो साहित्य में चले। हाँ, असल में बड़ी पुरानी बहस है, जब साहित्य का जन्म हुआ वैदिक साहित्य से लेकर आज तक, स्वांता सुखाय की बात की जाती है कि लेखक जो है स्वांता सुखाय होकर लिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। आलोचना की जरूरत इसलिए है क्योंकि साहित्य जो है उसको कहा जाता है कि वो हमारे जीवन का ही दर्पण है, हमारे समाज का ही दर्पण है। तो साहित्य कैसा होगा यह डिपेंड करता है कि हम कैसे होंगे, और अनेक बार अन्योन्याश्रित संबंध होता है। साहित्य का दूरगामी असर भी होता है, जिस प्रकार सिनेमा, आजकल सिनेमा का बड़ा प्रभाव है समाज पर, वैसे ही इससे पहले साहित्य का प्रभाव था समाज पर। तो आलोचना की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह मालूम होना चाहिए कि अच्छा मनुष्य के बौद्धिक और उसके स्वतंत्रता के विकास के लिए या मानवीयता के विकास के लिए साहित्य कितना महत्वपूर्ण रहा है। यदि महत्वपूर्ण है तो उसकी उसके गुणों का वर्णन करना, और यदि उसमें कहीं कोई अवगुण आ गया है तो उसकी भी बात करना। तो
तो आलोचना क्या है? आलोचना को कहा जाता है कि वह लेखक का पथ प्रदर्शक होता है। आपने देखा है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया, एक ऐसी आलोचना दृष्टि विकसित की, जिससे कि हमारे आज़ादी की लड़ाई में भी हमारे साहित्य ने योगदान किया, और साहित्य के जो जिसको हम आधुनिक साहित्य का स्वर्णकाल छायावाद को कहते हैं, वो भी उसी समय की देन है। तो कहना यह है कि आलोचना इसलिए जरूरी है, सामान्य रूप से जीवन में हम जो अच्छा है अच्छा कहते हैं उसे, जो बुरा है बुरा कहते हैं। हम अच्छे वाले को अच्छा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जरूरत है हमें समाज को, और बुरे को इसलिए हम बुरा कहते हैं कि उसकी अब हमें जरूरत नहीं है। तो आलोचना भी यही काम करती है साहित्य में, कि साहित्य में यह चीज अच्छी है, यह गुण अच्छा है और यह गुण ठीक नहीं है, क्योंकि वह साहित्य का उपयोग हमें भविष्य में करना है, और चूंकि हम उससे निर्मित होते हैं। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इतिहास से हम अपनी भूल सुधार करते हैं अपने भविष्य में, जो भूलें हमसे हो चुकी हैं। तो इसी प्रकार साहित्य की आलोचना जो है वो हमारे जीवन का दिग्दर्शन कराता है, हमारे जीवन के आगे हम कैसा साहित्य रचें, जिससे कि साहित्य क्या है, हजारों हजार साल तक लोगों का, आज आप देखिए कि ये कामायनी रचना है या कादंबरी, संस्कृत में बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो आज तक रामचरितमानस कितने सैकड़ों सालों से हमारा पथ प्रदर्शन कर रही हैं। तो यह साहित्य इसीलिए जरूरी है, क्योंकि उसकी आलोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमें जीवन विवेक देता है, जीवन विवेक बनाने के लिए साहित्य की आलोचना जरूरी है। ठीक है। सर, इसमें मैं एक एक ऐसी एक बात रखता हूँ, जैसा आपने भी कहा आलोचना के संबंध में। जी जैसा आलोचना की बात की थी आपने, कहा कि वो आगे के लिए एक बहुत अच्छा दिग या पथ प्रदर्शित करता है आलोचना। लेकिन एक चीज सर, एक मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप सही कीजिएगा, कि जब हम आलोचना को देखें साहित्य में, तो ऐसा भी एक हो चुका है ना कि मैं शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, राजनीति, राजनीति शब्द इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें जबरदस्ती भी, आप किसी को चलिए, मैं बात किसी के लिए उपन्यास के सबसे बड़े उपन्यासकार प्रेमचंद की बात करता हूँ, प्रेमचंद के साहित्य को लेकर के जो आलोचना करने की बात आती है, आप और हम खुद देखते हैं कि वो इतना बड़ा उपन्यासकार हुए कि उनके नाम से कालखंड एक रह गया, उसके बाद भी आलोचना ने एक ऐसी चीज दे दी है कि जबरदस्ती भी आपको कुछ ना मिले फिर भी प्रेमचंद के उपन्यास में, कई सारे आप आलोचना पढ़े प्रेमचंद के रचना पे, तो बहुत लोग लिखते हैं कि उनके सारी उपन्यासों में या सारी रचनाओं की जो कथा वस्तु एक तरह से कहें एक जैसी ही है कहानी वगैरह। तो एक आलोचना ने इस तरह की भी एक राजनीति में जन्म दिया कि जबरदस्ती आप पॉजिटिव नेगेटिव निकालते रहिए, कुछ नहीं मिल रहा तो जिसका जो मन कर रहा है उसको एक लिख दीजिए। तो ये भी एक दुष्परिणाम आलोचना हाँ, का देखने को मिलता है साहित्य और समाज में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मिलता है, इस बात की चर्चा आपने सही की। और ये असल में क्या है कि जो आलोचना है वो गहरे अर्थों में राजनीति से भी प्रेरित होती है, और एक तरह से क्या है कि जब आलोचक भी है, लेखक भी व्यक्ति ही है, मनुष्य है, और आलोचक भी मनुष्य है, तो अपने बहुत सारे हितों और अपने बहुत सारे स्वार्थों से भी जुड़ा होता है। तो अनेक बार ऐसी आलोचनाएं हमारे सामने आती हैं जो उस पर आधारित होती हैं, जो कह लीजिए कि स्वार्थ पर या हमारी उस पर हमारे हितों पर आधारित होती हैं। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि आलोचना सदैव रचना का पथ प्रदर्शन करती रही है, तो इसीलिए बार बार इस बात की ओर इशारा किया जाता रहा है कि आलोचना को इसी रूप में सदैव क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ आलोचना इसीलिए महत्वपूर्ण मानी गई है। तो ये तो है ही, और अनेक बार अनेक सवाल भी खड़े होते हैं। तो जी सर, जी सर, जी सर, आगे बढ़ते हैं सर। और दो प्रश्न है, मैं रखता हूँ आपके सामने। युति जी ने एक प्रश्न लिखा है कि उपन्यास की आत्मकथात्मक शैली के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब किसे आत्मकथात्मक शैली उपन्यास के अंतर्गत में कहा जाए। देखिए, जब लेखक जो है वो आत्मगत होकर लिखता है, यानी वो जब मैं शैली में लिखता है, और लेखक ये मान लेता है कि जो उसके मैं का अनुभव है वही जो है सब कुछ उसी मैं के अनुभव में घटित होता है, और वह उपन्यास के बाहर
जो उसका जो मय का अनुभव है उपन्यास के बाहर है, और जब वो उपन्यास के भीतर लाता है तो इसे ही हम आत्मकथात्मक शैली के रूप में मानते हैं। अब बाणभट्ट की आत्मकथा को कहा जाता है कि आत्मकथात्मक शैली है। बाणभट्ट जो अपने बारे में कहते हैं, कहा जाता है कि ये सीधे हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, या शेखर एक जीवनी में जो शेखर है, शेखर के माध्यम से भी आत्मकथात्मक रूप से लिखते हैं। अज्ञेय को कहा जाता है, शेखर जो है वो अज्ञेय ही है, अज्ञेय ने आत्मकथात्मक होकर वो लिखा है। तो आत्मकथात्मकता जो है वो शैली पर आधारित है, मतलब ये उपन्यास का लेखन, जैसे हम लिखते हैं, हम यहाँ लिखें कि राजू बस में बैठकर बाजार गया, तो ये आत्मकथात्मक शैली नहीं है। अगर यहीं लिखें कि मैं बैठकर बस में बैठकर बाजार गया, मैंने वहाँ देखा ऐसा था, तो जब मैं शैली आती है, अपने को स्वयं पात्र बना देने की स्थिति आती है, तो वहाँ आत्मकथात्मकता होती है और उसको हम आत्मकथात्मक शैली कहते हैं उसको। उपन्यास में बहुत सारे आप उपन्यास आप देखिएगा मिल जाएंगे जिनको आत्मकथात्मक उपन्यास माना गया है। हाँ जी सर, सर एक अंतिम यह प्रश्न है उसी से जुड़ता हुआ है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के इतर उनके अलावा और कौन कौन से उपन्यास को हम आत्मकथात्मक शैली कह सकते हैं? आत्मकथात्मक शैली में देखिए, जहाँ जो उपन्यास में मैं शैली आई हो, वो सारे उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखे गए हैं। हमने बताया शेखर एक जीवनी को भी आत्मकथात्मक शैली माना गया है बाणभट्ट की आत्मकथा के अलावा। इसके अलावा बहुत सा नदी के द्वीप भी आप पढ़िए, वो भी आत्मकथात्मक शैली में है। इस तरह के जो भी, अब अचानक अभी याद नहीं आ रहे हैं, दो चार उपन्यास आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनको खोजने का एक की यही है, एक टूल यही है कि जो मैं शैली में लिखे गए उपन्यास हैं, वो सारे उपन्यास जो हैं वो आत्मकथात्मक हैं, जिनमें लेखक स्वयं पात्र के रूप में उपस्थित है, वहाँ उपन्यास वो आत्मकथात्मक उपन्यास होंगे। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। इसके अतिरिक्त और कोई प्रश्न अभी हाल फिलहाल है नहीं, अगर कुछ आते हैं तो निश्चित तौर पर मैं आप तक प्रश्नों को पहुंचाने का कार्य करूंगा। तो इसी के साथ सर आपका पुनः एक बार सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आने वाले सर सप्ताह में निश्चित तौर पर से आगे बढ़ते हुए उसके आगे के जो ब्लॉक है उस उपन्यास स्वरूप और विकास के संदर्भ में, उसमें सर विश्व साहित्य में उपन्यास है, तो आने वाले सप्ताह में हम इस पे चर्चा करेंगे विश्व साहित्य में उपन्यास में, और आशा करता हूँ कि आप इसी तरह अपना समय और बिल्कुल मार्गदर्शन में प्रदर्शित करते रहें सर। इसी के साथ बहुत बहुत बिल्कुल, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी शुक्रिया शुक्रिया अभिषेक जी, और फिर मिलते हैं। बिल्कुल ओके बिल्कुल सर, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत आभार आप सभी का, आप सभी को अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आने वाले क्रम में कल भी हमारी एक कक्षा है, कल जो कि सुबह 11 से, इसी समय कल सुबह 11 से है, जिसके अंतर्गत हम लोग आर्य भाषाएं के संबंध में, यूरोपीय भाषा और आर्य भाषा के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जहाँ चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा सर उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी से पुनः अनुरोध रहेगा कल समय निकाल कर उसको, उस कक्षा को जरूर अटेंड करें, अपने प्रश्न, अपने द्वंद, अपने विचार जरूर रखें उस कक्षा में। किसी भी कक्षा में अपने प्रश्न रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रश्न तभी आते हैं जब आप व्याख्यान को सुनते हैं या पढ़ते हैं उस विषय को। इसलिए आपसे अनुरोध करेंगे कल की कक्षा करें। इसी के साथ वो कक्षा आरंभ समाप्त होती है, माफ कीजिएगा, कक्षा समाप्त होती है। आप सभी से निवेदन है कि घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि यह दौर है, दिन ब दिन आप भी देख रहे हैं कि हम जिस राज्य में रह रहे, उड़ीसा में, दिन ब दिन लगातार केसेस बढ़ रहे कोरोना के, तो इस महामारी के दौर में आशा है कि आप अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, ज्यादा से ज्यादा बचाव करें। और बहुत बहुत आभार, कल पुनः हम लोग मिलेंगे। देवाशीष सर का बहुत बहुत आभार, वो आज के मेरे तकनीकी सहयोगी है, थैंक यू देवाशीष सर। थैंक थैंक यू सर। यू, हाँ सर, थैंक यू। तो विद्यार्थियों, कक्षा यहीं समाप्त होती है, आप लोग अपने ओर से अपने इस कॉल को, इस कक्षा को समाप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का पुनः एक बार।